आज कोर्ट की पेशी थी। हमारी अदालतें अभी भी जिंदा, मुझे बड़ा खुशी है। कौमों की अदालतें उनके बाशिंदों के लिए खड़ी होती हैं, वो कौमें फिर तबाह होने से बच जाती हैं। I want to thank the whole team here. Afghan government is unbelievably supportive. Lawyer of his stature, एक चीज जो बार बार इस हियरिंग में सामने आ रही है, ग्रेट 17 का ऑफिसर जो है अगर अदालत के सामने आता है अप्रूवल्स के चक्कर में वो महीनों ले लेता है। आज कोर्ट की पेशी थी जिसमें मेरी तरफ से इमरान शफीक साहब पेश हुए थे और मैं भी मौजूद थी, और यूके से क्लाइव स्मिथ आए थे और वो एक इन्वेस्टिगेटिव टूर पे थे आफिया के केस को कि वो यहाँ से अफगानिस्तान कैसे गए, अफगानिस्तान में क्या हुआ, बगराम का क्या हाल था, गजनी में केस क्या हुआ, उसमें ये सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे। और अभी वापस आए हैं तो ये अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी सारी मुदाद और सबको आप उन्हीं से सुनिएगा। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इस पेशी में मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, और वो कि हमारी अदालतें अभी भी जिंदा हैं और कुछ अदालतें ऐसी हैं जो एक पाकिस्तानी फ़र्द की इज्जत की बहाली के लिए और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आवाज़ उठाने पे पीछे नहीं बैठती, बल्कि उसको उसका हक दिलाने के लिए ऑर्डर तो पास कर रही है। अदालत ऑर्डर ही पास कर सकती है और मुझे बड़ा खुशी है, क्योंकि जब जिन कौमों की अदालतें उनके बाशिंदों के लिए खड़ी होती हैं वो कौमें फिर तबाह होने से बच जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके के लिए भी अच्छा रास्ता होगा। ऑर्डर्स तो काफ़ी पास हुए हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, मतलब इतने घंटे उन्होंने दिए, आप सोचें 20 साल के कितने घंटे मैंने दिए और जो हमारी गवर्नमेंट्स ने ज़ाय की, वो कितनी बड़ी वो होती है। तो मैं ये समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि आज के बाद वो दिन हो कि अब वो कोऑपरेट करें और आफिया की रिहाई का एक अच्छा रास्ता मिल के हो जाए। वी वर्क टुगेदर, वी आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। ये केस अगेंस्ट किसी के लिए नहीं है, ये केस एक पाकिस्तान की बेटी का हक दिलाने, पाकिस्तान की इज्जत और गैरत को बहाल करने का है, उसकी बेटियों की इज्जतें लुटाने के लिए नहीं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग क्लाइव स्मिथ से पूछें उनकी इन्वेस्टिगेटिव टूर कैसा रहा और वो क्या शेयर करना चाहेंगे। I want to thank the whole team here for their work on the case. I want to thank the judge who really basically got up from sick that to listen to the case. But I also want to say that I got back from 10 days in Afghanistan, and the Afghan government is unbelievably supportive of Afia Siddiqui and helped me immensely, helped us go to Ghazni to find the truth about what happened in Ghazni, helped us find witnesses. It was incredibly helpful on a practical level to Dr. Afia. And I suppose my problem with the Pakistan government is that they talk a bit, but they don't really act very much. And we do need to work together. We're on the same side. We presumably all want to get Afia back here to Pakistan. If anyone has any problems with our solution for Afia's situation, come forward and tell us what they are. What I can't stand about government officials is when they hide behind secrecy and try to thwart what's going on, what we're trying to achieve, without telling us what their alternative solution is. So I challenge the government of Pakistan to come up with a solution other than the ones we propose. We propose that Afia should be exchanged for Dr. Shakil Afridi. I think we can work that out with the Americans. If the Pakistan government doesn't like that, tell us what you do like, because if you don't, you're betraying the daughter of Pakistan. Thank you. आज आफिया सदीकी साहिबा के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, और आज की समाअत की एक तो खुशाइन बात यह है कि मिसेस स्मिथ जो है, क्लाइव स्मिथ, ये आफिया सदीकी साहिबा के अमेरिकी वकील हैं, ये यहाँ आज स्पेशल इस हेयरिंग के लिए आए थे। इससे पहले इसी केस के सिलसिले में इन्होंने अफगानिस्तान का वी टूर किया, और आज अदालत ने अपने ऑर्डर में ये चीज़ मेंशन की है कि इन्होंने अपनी जो वकालत के 1270 घंटे 1270 घंटे इस केस पर काम किया है, और उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया कि प्रो बोनो बेसिस पर जो है आपने ये कौम की खिदमत सर अंजाम दी हैं,
और इन्होंने फिर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, चूंकि ये प्रो बोनो काम कर रहे हैं, प्रो बोनो अपना एक कोई भी अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि अगर कोई भी वकील पैसे लेकर ये काम कर रहा होता तो आज ये 1270 घंटे इस स्टेचर का वकील, कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉयर ऑफ इस स्टेचर अगर ये काम कर रहा होता तो ये बहुत बड़ा एक उसके लिए सरमाया बनता था। तो अदालत ने आज ये अपने ऑर्डर में भी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करती हैं, जो इस कॉज के लिए काम करना चाहती हैं, वो आगे बढ़ें और वो क्लाइव स्मिथ इस केस के लिए फंडिंग करें। डॉक्टर फौजिया जो है वो इतने अरसे से इस केस के लिए काम कर रही हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, 20 साल, एक बड़ा लंबा अरसा है जो इन्होंने स्ट्रगल किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो 20 साल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा ने जिस कर्ब में गुजारे हैं वो भी पूरी कौम समझ सकती है। तो आज जज साहब की हमारी जो हियरिंग थी वो बड़ी हौसला अफजा थी। एक चीज़ जो बार बार इस हियरिंग में सामने आ रही है उसकी तरफ अदालत ने आज बिलखसूस तवज्जो की, और अदालत ने देखा कि ये जो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, यानी एक ग्रेड 17 का ऑफिसर जो है अगर अदालत के सामने आता है तो उसको 25 जगहों से तो अप्रूवल लेने होते हैं। अब वो छोटा सा काम होता है और वो अप्रूवल्स के चक्कर में वो महीनों ले लेता है। अब ये देखें, एक आज अदालत में एक जवाब जमा करवाना था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, क्लाइव जो है हम वकला के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से बार बार डिमांड करते रहे कि जो आपने डिमाश अमेरिका को भेजा था उसका क्या बना, आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के लिए आपने मेडिकल असिस्टेंस देनी थी उसका क्या बना, उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज़ हुआ था जो उसकी जेल से ट्रांसफ़र करनी थी उसके लिए आपने जो अमेरिकन गवर्नमेंट को अदालत ने आपको हुक्म दिया था कि आप उनसे रब्ता करेंगे तो उसके बदले में क्या हुआ। लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों का बड़ा सिंपल से जवाब थे, अगर हुआ या क्या प्रोग्रेस हुई, किस महकमे से आपने रब्ता किया, उनका जवाब क्या था, वो अगर ये क्लाइव के साथ या मेरे साथ शेयर कर देती गवर्नमेंट तो हम जो है वो उसका प्रॉपर और अप्रोप्रिएट, क्लाइव जो है अमेरिकन लॉ से वाकिफ है, वो इनको जवाब दे देते, इनको बता देते हैं कि भाई अमेरिकन गवर्नमेंट ने या आपके डिपार्टमेंट से आपके साथ ये गलत प्लानिंग की है, वो चीज़ों को लीगली इस तरह हाइड करना चाहते हैं तो आप इसका ये रिस्पॉन्स दें। लेकिन बदकिस्मती से आज जो है वो अदालत में जब ये मुकदमा आया तो आज अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की गई तो जज साहब ने खुद कहा कि अगर ये रिपोर्ट आप क्लाइव के साथ 15 दिन पहले शेयर कर देते आज तक इसमें कितनी प्रोग्रेस हो चुकी होती, लेकिन आपने अपने ब्यूरो अपनी फाइलों में चीज़ों को दबा के रखते हैं और आप केस को प्रोग्रेस नहीं हो पाती। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जज साहब ने कहा कि ये केस अगर प्रोग्रेस करना है ठीक तरीके से और डे टू डे बुनियादों पर कुछ आगे बढ़ना है तो ये जो अमेरिकन एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका हैं जो पाकिस्तानी फॉरन ऑफिस के जो अमेरिका को डील करते हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी और दूसरा डीजी अमेरिका, डीजी अमेरिका बड़े कोऑपरेटिव भी रहे हैं और हम उनके पास जाते भी रहे हैं, वो चीज़ों से फैक्ट से अवेयर भी हैं। अदालत ने कहा कि आइंदा से वो ऑनलाइन हर पेशी पर वो हाजिर हुआ करेंगे अदालत में, ऑनलाइन वो हियरिंग के में शामिल होंगे और दूसरा वो जब भी आएंगे अदालत में पूरी तैयारी करके आएंगे, उनको पता होगा कि इस केस की प्रोग्रेस देखिए।